आर यू? वेलकम टू SVS इंग्लिश क्लासेस. वी आर हेयर टू स्टडी लेसन 1, ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर. वेलकम अगेन टू वीडियो नंबर 2 फ्रॉम ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी. शल्य चिकित्सा की जीत नामक पाठ के वीडियो नंबर 2 में आपका पुनः स्वागत है. वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा वीडियो नंबर 1 का थोड़ा सा भाग आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताते हैं. जब मिस्टर हैरियट श्रीमती पम्फ्री से पूछता है क्या आप उसे खूब व्यायाम करवाती हैं, तो श्रीमती पम्फ्री कहती है वह मेरे साथ थोड़ी देर सैर कर लेता है जैसा तुम देख ही रहे हो, पर मेरा माली हॉजकिन गठिया के दर्द से ग्रस्त है, इस कारण पिछले कुछ दिनों से ट्रिकी को रिंग का खेल नहीं सिखाया जा रहा है. इससे आगे शुरू करते हैं. आई ट्राइड टू साउंड सीवियर. श्रीमती पम्फ्री कहती है कि आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, प्रयास किया, टू साउंड सीवियर. सीवियर कहते हैं कठोर. टू साउंड मीन्स टू सीम. मैंने कठोर होने का, कठोरता दिखाने का प्रयास किया. नाउ आई रियली मीन दिस. अब मेरा वास्तव में यही अर्थ है, या मैं आपसे वास्तव में यही कहूंगा. इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल. इफ यू डोंट कट, कट मीन्स काटना या कमी करना. यदि तुम कमी नहीं करोगी हिज फूड, उसके भोजन में, उसकी खुराक में, ट्रिकी के भोजन में, राइट डाउन एकदम से ही. यदि तुम ट्रिकी के भोजन में, ट्रिकी की खुराक में एकदम से ही कमी नहीं करोगी, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उससे अधिक व्यायाम नहीं कराओगी. एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम करना. उससे अधिक व्यायाम नहीं कराओगी तो ही इज गोइंग टू बी रियली इल. तो वह रियली मीन्स वास्तव में, तो वह वास्तव में बीमार हो जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. यू मस्ट हार्डन. हार्डन मीन्स कठोर करना. योर हार्ट, अपने हृदय को, तुम्हें अपने हृदय को कठोर करना चाहिए, अर्थात मन पक्का करना चाहिए. एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. स्ट्रिक्ट डाइट कहते हैं निर्धारित खुराक, और उसे निर्धारित खुराक देना चाहिए. मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स. जब डॉक्टर ने ऐसी बात कही तो डॉक्टर की बात को सुनकर के श्रीमती पम्फ्री ने रंग मीन्स मले, रब्ड, हर हैंड्स अपने हाथ. श्रीमती पम्फ्री ने अपने हाथ मले. ओ आइल मिस्टर हैरियट. अरे मिस्टर हैरियट, मैं अवश्य करूंगी. आई एम श्योर यू आर राइट. आई एम श्योर, श्योर मीन्स विश्वास, यकीन. मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है कि यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो. बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट. परंतु ये बहुत ही कठिन है. शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमिंड टू पुट द न्यू रेजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली. शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड. हेड डाउन, सिर को झुका करके.
अपने सिर को झुका करके वह सेट ऑफ मिस चल दी अलोंग द रोड, सड़क पर। सिर को झुका करके वह सड़क पर चलने लगी। एज इफ मानो, डिटरमिंड संकल्प कर लिया हो। टू पुट द न्यू रेजिम, नई या नव निर्धारित। अधिक अभ्यास और निश्चित खुराक, इमीडिएटली मीन्स तुरंत। मानो उसने तुरंत नव निर्धारित अधिक व्यायाम और सीमित खुराक देने का संकल्प कर लिया हो। मानो उसने तुरंत नव निर्धारित अधिक व्यायाम का अभ्यास और सीमित खुराक देने का संकल्प कर लिया हो। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। आगे राइटर कहता है, आई वॉच्ड, मैंने देखा, देयर प्रोग्रेस, उनकी प्रगति अर्थात उनको जाते हुए, विद ग्रोइंग कंसर्न, ग्रोइंग मीन्स बढ़ते हुए, कंसर्न मीन्स चिंता के साथ। मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। ट्रीकी वाज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। आगे मिस्टर हैरेट कहता है, ट्रीकी वाज टोटरिंग, ट्रीकी ये श्रीमती पम्फ्री के कुत्ते का नाम है, पहले ही हमने आपको इसके बारे में बताया था। तो ट्रीकी वाज टोटरिंग, टोटरिंग मीन्स लड़खड़ाते हुए चल रहा था। अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड, अपने छोटे ट्वीड के कोट को पहने हुए ट्रीकी लड़खड़ाते हुए चल रहा था। इतना मोटा हो गया था ट्रीकी कि वो अपने छोटे ट्वीड के कोट को पहने हुए लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, इन कोट से, होल सारी की सारी, वार्डरोब कहते हैं कपड़े रखने की अलमारी, उसके इन कोटों से सारी अलमारी भरी हुई थी। यानी कि जो अलमीरा थी उसमें ट्रीकी के कोट भरे हुए थे, इतने सारे कोट थे ट्रीकी के पास। फॉर द कोल्ड वेदर, और ये कोट ठंडे ठंड के मौसम के लिए थे, जाड़ों के लिए थे। एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, वेट डेज में होता है रेनी सीजन, और एक बरसाती कोट बरसात के लिए था, वर्षा काल के लिए था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग दबे झुके हुए, इन हिज हार्नेस, हार्नेस कहते हैं साज सज्जा के वस्त्र, अपने साज सज्जा के वस्त्रों में नीचे की ओर झुके हुए, दबे हुए वह संघर्ष कर रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेज पम्फ्रे। आई थॉट, मैंने सोचा, मिस्टर हैरिट कहता है कि मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग, कि अधिक समय नहीं लगेगा, बिफोर आई हर्ड, कि जब मैं सुनूंगा फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, जब श्रीमती पम्फ्री मुझे कुछ उस ट्रिकी के बारे में बताएगी, मुझसे कुछ चर्चा करेगी, मुझसे कुछ परामर्श करेंगी। ऐसा मैंने सोचा कि अधिक समय नहीं लगेगा जब श्रीमती पम्फ्रे मुझसे उस ट्रिकी के बारे में चर्चा करेंगी या परामर्श करेंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, द एक्सपेक्टेड प्रत्याशित
कॉल दूरभाष की कॉल केम आई विद इन ए फ्यू डेज कुछ ही दिनों में प्रत्याशित दूरभाष की कॉल आई। मिसेस पम्फ्री वाज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मीन्स वेरी वरीड एंड सैड। श्रीमती पम्फ्री बहुत ही चिंतित और दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खाता। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस। फेवरेट मीन्स प्रिय, डिशेस मीन्स भोजन। वह अपने प्रिय भोजन को भी नहीं खाता था, उनको भी खाने से उसने मना कर दिया था। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। बाउट्स मीन्स फिट्स, दौरे या अटैक्स। वोमिटिंग मीन्स उल्टी के, और उसे बार बार उल्टियां आ रही थी, उल्टी के दौरे पड़ रहे थे या लगातार उल्टियां आ रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग। पेंटिंग मीन्स हाफते हुए। ही स्पेंट, उसने व्यतीत किया, ऑल हिज टाइम, अपना सारा समय, लाइंग लिटे हुए, ऑन ए रग, रग मीन्स होता कारपेट, कारपेट पर लिटे हुए हाफते, उसने, किसने, ट्रिकी ने हाफते हुए कालीन पर लिटे हुए अपना सारा समय बिताया या व्यतीत किया। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स। डिडंट वॉन्ट, नहीं चाहता, टू गो फॉर वॉक्स, टहलने के लिए, वो घूमने के लिए भी जाना नहीं चाहता। उसकी टहलने के लिए जाने की भी इच्छा नहीं। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, उसका कुछ भी करने के लिए मन नहीं करता, कोई भी इच्छा। आई हैड मेड माय प्लान्स इन एडवांस। मिस्टर हैरिट कहते हैं, आई हैड मेड, मैंने बना ली थी, माय प्लान्स, अपनी योजनाएं, इन एडवांस, पहले से ही मैंने अपनी योजनाएं बना रखी थी। The only way was to get Trickie out of the house for a period. The only way, एकमात्र युक्ति, एकमात्र उपाय यह था कि to get Trickie out of the house, कि Trickie को घर से बाहर निकाला जाए या दूर रखा जाए, फॉर ए पीरियड, कुछ समय के लिए। एकमात्र युक्ति यह थी कि ट्रिकी को घर से कुछ समय के लिए बाहर रखा जाए या दूर किया जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। आगे मिस्टर हैरिट कहते हैं कि आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, मैंने परामर्श दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि उसे अस्पताल में भर्ती किया जाए, फॉर अबाउट, लगभग, ए फोर्टनाइट, एक पखवाड़े के लिए। पखवाड़ा होता 15 दिन का, 15 दिन की अवधि को पखवाड़ा कहते हैं, और इंग्लिश में फोर्टनाइट। मिस्टर हैरिट ने सुझाव दिया कि ट्रिकी को 15 दिन के लिए, लगभग 15 दिन के लिए, या लगभग एक पखवाड़े के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाए। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, टू बी केप्ट, ताकि उसे निरीक्षण में रखा जा सके। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, उस पर नजर रखी जा सके, निरीक्षण में रखा जा सके, कि उसकी स्थिति किस प्रकार से घटती बढ़ती है। The poor lady almost swooned. Swooned means fainted. बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, बेचारी महिला लगभग मूर्छित ही हो गई। She was sure he would pine and die if he did not see her every day. If he did not see, यदि वो नहीं देख
उसने नहीं देखा। हर उसे यदि ट्रीकी ने मिसेस पम्फ्री को प्रतिदिन एवरीडे प्रतिदिन नहीं देखा तो ही वुड पाइन, तो वह तड़पेगा एंड डाई और मर जाएगा। सी वास्योर, उसे यकीन था। श्रीमती पम्फ्रे को ये यकीन था कि यदि ट्रीकी उसे प्रतिदिन नहीं देखेगा तो वह तड़पेगा और मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, परंतु मैंने टुक ए फर्म लाइन मीन्स मैंने कड़ा रुख किया, सख्ती का व्यवहार किया, परंतु मैंने कड़ाई का व्यवहार किया, कड़ाई के साथ व्यवहार किया, कड़ा रुख किया। ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ही बीमार था। एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसके प्राणों की रक्षा करने का यही एकमात्र तरीका था, यही एकमात्र उपाय था। द ओनली वे, एकमात्र तरीका या उपाय। ट्रिकी बहुत ही बीमार था और उसके टू सेव हिम, और उसके प्राणों की रक्षा करने का यही एकमात्र तरीका या उपाय था कि उसे घर से दूर रखा जाए। इन फैक्ट, वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, वास्तव में मैंने सोचा कि अविलंब उसे किसी ट्रिकी को वहां से ले जाना ही सर्वोत्तम रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा, बेस्ट में सबसे अच्छा, कि उसको घर से दूर रखा जाए और अविलंब बिना किसी विदाउट डिले, बिना किसी देरी के उसे वहां से अस्पताल में ले जाया जाए। फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स, वेलिंग्स मीन्स विलाप। श्रीमती पम्फ्रे के विलाप के बावजूद वो जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि वह अपने प्यारे ट्रिकी कुत्ते की अनुपस्थिति को सहन कर नहीं पा रही थी, या उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, तो वह रो रही थी। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। आई मार्च्ड आउट टू द कार, मार्च्ड आउट बाहर गया, टू द कार कार की ओर, कैरिंग लेकर के, द लिटिल डॉग उस छोटे कुत्ते ट्रिकी को रैप्ड लिपटे हुए, इन ए ब्लैंकेट कंबल में, कंबल में लिपटे हुए छोटे कुत्ते को लेकर के मैं बाहर कार की ओर। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड, राउज्ड मीन्स एक्टिव। नौकरों का या समस्त नौकर चाकर, एंटायर में समस्त, स्टाफ कहते नौकर चाकर, समस्त नौकर चाकर वाज राउज्ड, सक्रिय हो गए। एंड मेड्स रश्ड इन, और नौकरानियां अंदर आई और बाहर गई। ब्रिंगिंग यानी नौकरानियां भी सक्रिय हो गई। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका दिन का बिछावन, दिन का बिस्तर लाने में। हिज नाइट बेड, उसका रात्रि का बिछावन या रात्रि का बिस्तर। फेवरेट कुशंस, प्रिय गद्दियां। टॉयज खिलौने। रबर रिंग्स रबड़ के छल्ले। ब्रेकफास्ट बाउल नाश्ते का प्याला। लंच बाउल दोपहर के भोजन का प्याला। सपर बाउल रात्रि भोज का प्याला लाई। इस समस्त नौकर चाकर सक्रिय हो गए और नौकरानियां भी आई और उसका दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, प्रिय गद्दियां, खिलौने, रबड़ के छल्ले, नाश्ते का प्याला, दोपहर के भोजन का प्याला और रात्रि भोज का प्याला लाई। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, स्टफ मीन्स सामान। रियलाइजिंग अनुभव करते हुए, सोचते हुए,
दैट माई कार, कि मेरी कार वुड नेवर होल्ड, नहीं रख पाएगी ऑल द स्टफ, सारा सामान, जितना सामान उस ट्रिकी का था। तो डॉक्टर ने सोचा कि मेरी कार में ये सारा सामान नहीं आ पाएगा, तो क्या हुआ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो मैंने चल देने के लिए गाड़ी को स्टार्ट किया, चालू किया। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे ही मैं चला, मैंने गाड़ी को चलाया, मिसेज पम्फ्रे विद ए डेस्पेयर क्राई थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। तो श्रीमती पम्फ्रे ने विद ए डेस्पेयरिंग, हताशा भाव के साथ रोते हुए, क्राई मीन्स रोना, डेस्पेयरिंग मीन्स हताशा भाव से, हताशा भाव से रोते हुए श्रीमती पम्फ्रे ने थ्रू फेंके एन आर्म फुल, एक बहा भरी या गोद भरे, ऑफ लिटिल कोट्स, छोटे छोटे कोट, थ्रू द विंडो, कार की खिड़की से। जैसे ही मैं चला तो श्रीमती पम्फ्रे ने हताशा भाव से रोते हुए कार की खिड़की में से एक बहा भरी छोटे छोटे कोटों को अंदर, कार की खिड़की में से अंदर को फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर्स। आगे मिस्टर हैरिट कहते हैं कि आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने कार के शीशे में से देखा, बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जब मैं सड़क पर कोने पर से मुड़ा तो मैंने कार के शीशे में से देखा कि एवरीबडी वाज इन टीयर्स, कि सब के सब की आंखों में आंसू थे या सब के सब रो रहे थे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो नंबर 2 यहीं पर पूरी होती है, फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 3 में इसी लेसन की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस की वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। टिल देन, टेक केयर, बाय।